उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी लूट और छिनैती की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार की रात बेखौफ बदमाशों ने मम्फोर्डगंज इलाके के यूनियन बैंक एटीएम में 15 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि इस इलाके में लूट की वारदातें जैसे आम बात हो गई है। ये यूनियन बैंक का एटीएम है, ठीक ठीक, में आज की रात में घटना की गई है और इसका जो कैश चेस्ट है नीचे से काट करके चोरों के द्वारा ले जाया गया। सुबह ये सूचना 8:30 बजे आई थी कि इस तरह से यहाँ घटना हुई है। एक्सपर्ट लोग हैं और जो जिन एजेंसी के द्वारा इसमें पैसे डाले गए हैं उन लोगों को बुला कर पूछताछ भी की गई है और FIR दर्ज की जा रही है, आवश्यक कार्रवाई कर रही है। ब्यौरा है उसके अनुसार 16 लाख रुपए बताया गया है, बाकी अभी और सारे मिला बैंक से करा लिए गए हैं।